लोगों का जीवन तो झोला छाप डॉक्टर के भरोसे कट रहा है। आज के दिन भी राज्य की राजधानी में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाता, जहां दूसरे राज्य 24 घंटे बिजली देते हैं, आपको स्वास्थ्य समुदाय भवन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर गलती से यहां पर मिल भी जाए, वो सिर्फ जर्जर भवन मिलेगा, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसका असर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। राज्य की इतनी स्थिति गंभीर है तो सरकार को तो जरूर इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में चुनाव दो चरण में होंगे। पहला चरण का चुनाव होगा 13 नवंबर का, जो कि 43 सीटों के लिए होगी, जबकि 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसका रिजल्ट 23 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। झारखंड की जनता के पास 5 साल बाद फिर से वही मौका आ गया है, जब लोग 81 विधायक और सरकार का चुनाव करेंगे। राज्य में समस्या की बात करूं तो यहां पर समस्या की कमी नहीं है, यहां पर बहुत सारे समस्याएं हैं जिन्हें तत्काल दूर करना चाहिए, और ये सारी समस्याएं आम लोगों की समस्याएं हैं। मैं इस वीडियो में उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जिसे आम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बड़े मुद्दे पर चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में करूंगा। झारखंड के लगभग हर गांव और हर कस्बों की यही हालत है। यहां मूल रूप से पानी, बिजली, उच्च शिक्षा और चिकित्सा, बेरोजगारी की समस्या अमूमन देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पीसीसी सड़क बने हैं, लेकिन ये इतना ऊंचा है कि वहां पर से पानी बह करके घर में चला जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। आज के दिन भी राज्य की राजधानी में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाता, जहां दूसरे राज्य 24 घंटे बिजली देते हैं, वहीं पर झारखंड का राजधानी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 24 घंटे क्या 10 से 12 घंटे दे दे तो वो भी काफी है। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी में जब ये हालात है तो गाँव में क्या स्थिति होगी। गांव में प्राथमिक शिक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता है। इसका असर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या उन्हें शहर जाना पड़ता है। और लड़कियों का बात करें तो यही कारण है कि यहाँ पर लड़कियों का शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवा की बात किया जाए तो वहां पर गांव तो बहुत दूर की बात है, प्रखंड स्तर पर भी आपको स्वास्थ्य समुदाय भवन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर गलती से यहां पर मिल भी जाए, वो सिर्फ जर्जर भवन मिलेगा, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। लोगों का जीवन तो झोला छाप डॉक्टर के भरोसे कट रहा है। शहर में सरकारी हॉस्पिटल तो है, पर उसकी क्या हालत है आप लोग खुद जानते होंगे। लोगों की इतनी भीड़ है वहां पर कि जमीन पर पड़े मरीज आप अमूमन देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि राज्य की इतनी स्थिति गंभीर है तो सरकार को तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह सरकार जरूर कुछ कर रही होगी, या आने वाला चुनाव में कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में बोल रही होगी, लोगों को आश्वासन दे रही होगी। पर आप गलत हैं दोस्तों, सरकार इसे सुधारने के लिए कुछ कर नहीं रही है, और ना ही सरकार कोई आश्वासन दे रही है, ना लोगों को विश्वास दिला रही है। ये सारी समस्याएं राज्य के हर इंसान की है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, चाहे जिसकी भी सरकार है, उसे तो इन समस्याओं का समाधान करना ही होगा। पर आपको बता दूं दोस्तों, राज्य के जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है, वे इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। वे बात किस चीज पर कर रहे हैं चलिए उसको भी बता देता हूं। कौन पार्टी ज्यादा रेवड़िया देगा, इसका कंपटीशन चल रहा है। मैया सम्मान योजना आप तो सुने ही होंगे। मैया सम्मान योजना के द्वारा घोषणा किया गया था कि महिलाओं को 1,000 रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। इसका असर जब लोगों में देखने लगा तो देश का जो सबसे बड़ा पार्टी है वो भी मैदान में आ जाती है, और वो बोलती है कि गोगो योजना में ला रहा। गोगो योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए आर्थिक मदद देने के ऐलान करती है। और ये यही नहीं रुकता है दोस्तों, इसको देखकर हेमंत सरकार एक बार फिर से मैया सम्मान योजना का राशि को बढ़ा करके कहती है कि चलिए इस बार हम 2500 रुपए देंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से रेवड़िया दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सरकार के पास लोगों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, पर फ्री में लोगों को बांटने के लिए बहुत सारे फंड जमा हो जाते हैं। अगर सरकार लोगों को नौकरी दे तो लोगों से काम लिया जा सकता है, इससे राज्य का भी फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा। लेकिन ये जो फ्री में 1,000 रुपए दिया जा रहा है या 2100 रुपए दिया जा रहा है, आखिर ये कब तक दिया जाएगा, और फ्री में देना क्या उचित भी है? इससे सिर्फ राज्य का आर्थिक नुकसान ही हो सकता है, और ऐसे भी पैसे भी तो हम ही लोग दे रहे हैं सरकार को। महंगाई तो आप देख रहे होंगे, इस पर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। दोनों ही पार्टियां लोगों की आम जरूरत को दरकिनार करके ऐसे मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दे रही है जिसका असर लोगों के आम जीवन पर नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे भी इन लोग
किस मुद्दे पर ज्यादा बात कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना, फ्री का रेवड़िया तो हो गया, इसके बाद जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक पार्टी कह रही है कि इन्हें रहने नहीं देंगे, दूसरी पार्टी कह रही है कि इन लोगों को रहने के लिए जगह दिया जा रहा है। महंगाई पर कोई बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य का जो इतना सिस्टम घटिया हो चुका है उस पर कोई बात नहीं हो रहा है, शिक्षा का स्तर पूरा नीचे गिर चुका है उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। बात क्या हो रहा है, यहां पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग कैसे आ गए, जो यहां के युवा लोग पिछले 5 साल 6 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वो बार बार एग्जाम होता है और उसे रद्द कर दिया जाता है, वो भी क्यों, पेपर लीक के कारण। यानी कि सरकार जो है एक एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रही है और यहां पर बात किया जाता है घुसपैठियों के बारे में। आप लोगों से एक अपील है दोस्तों, आप सभी जागरूक बनिए, अगर कोई नेता वोट मांगने आता है तो उनसे जरूर पूछिए कि उनके लिए, उनके मोहल्ले के लिए, उनके गांव के लिए सरकार अभी तक क्या किया है, क्या सिर्फ आश्वासन दिया है या कुछ बदलाव भी हुआ है। इस बार आप सभी जागरूक बनिए और नोट के बदले वोट बिल्कुल नहीं दीजिए, इस बार बदलाव वाला वोट होना चाहिए, जो बदलाव लाए उसको वोट दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।